a Turkish drama, Ertugrul, which has broken all records on the YouTube. डॉक्टर जाकिर नायक का ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल और इसके खिलाफ फतवों पर तज्जिया। अर्तुगरुल पर मौलवियों के फतवे। डॉक्टर जाकिर नायक का ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल और इन फतवों पर तज्जिया। डॉक्टर जाकिर नायक ने बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों और इस ड्रामों में फर्क वासी कर दिया। वासी रही की जमात देवबंदी ने फतवा लगाया था कि अर्तुगरुल ड्रामा देखना हराम है क्योंकि इसमें म्यूजिक और गैर महरम है। फतवा लगाने वालों ने ये भी कहा था कि ये कहानी झूठ पर मबनी है और रमजान में इसे देखकर वक्त जाया ना करे और गुनाहों से बचे। डॉक्टर जाकिर नायक ने जवाब देते हुए कहा कि तमाम ही ड्रामे हराम है, कुछ कम हराम है, कुछ ड्रामे और फिल्मों को देखना गुनाह कबीरा है और कुछ को देखना गुनाह फकीरा है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नायक ने अर्तुगरुल का मुआवजना हॉलीवुड और बॉलीवुड की इन फिल्मों से किया जिनमें बूसो किनार, इश्क रोमांस के सीन और काबेरी इतराज सीन होती है और अर्तुगरुल और हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में फर्क पेश करने की कोशिश की। ये भी तज्जिया किया कि एक फिल्म में एक खातून ने मिनी स्कर्ट या मुख्तसर लिबास पहन रखा है और अर्तुगरुल में खातून ने अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर डांप रखा है। डॉक्टर जाकिर नायक के मुताबिक जहाँ तक अर्तुगरुल का मामला है, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा और मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट्स देखी है, जो मुझे पता चला है, इसके मुताबिक ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरियल है। इसने हॉलीवुड को टक्कर दी है और ये बहुत सी जुबानों में ट्रांसलेट हुआ है। इसमें हवातीन बगैर पर्दे की है, हिजाब में नहीं, म्यूजिक का होना हराम है, लेकिन ये हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं जिसमे बूसो किनार गले लगना या प्यार करने की सीन होती है। कोई ये फतवा नहीं दे सकता कि इसे देखना जायज है। वैसे तो सब मूवीज और ड्रामे देखना हराम है, लेकिन अगर देखना ही है तो हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखने से बेहतर है कि अर्तुगरुल जैसी ड्रामे देख ली जाए और एक बेहतरीन पैगाम दे रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक के मुताबिक एक फिल्म में एक खातून ने मिनी स्कर्ट या मुख्तसर लिबास पहन रखा है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल में खातून ने अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर डांप रखा है। ड्रामे फिल्में देखना हराम है और जरूरी है कि कुरान को पढ़ा जाए, लेकिन अगर आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज देखनी है तो अर्तुगरुल जैसी सीरीज देखना इससे बेहतर है। बिकॉज देयर आर लेडी एक्टर्स व्हिच आर नॉट इन हिजाब, सो इट कैन नॉट बी 100% हलाल. There is music in it, which again cannot be haram. As the brother said, there is hug scenes, etc. But surely, it is not like normal movies, like Bollywood and Hollywood movies. There is no smooching, there is no love-making scenes, etc. Yes, shaking hands, hugging, etc. Not like the Bollywood movies or the Hollywood movies. So it doesn't have those bigger haram. But yes, there are ladies not in hijab. There is music in it. There are certain things showed about Islam, which is against Aqeedah. There are certain things which is against the Tawheed. So surely it is not totally Islamic at all. So no one can give you fatwa that watching is permissible. But I would like to go a step further. That what we have to realize that because of the evil that is spread throughout the world, anyone who's not watching serial, I would recommend this is haram for you. Don't watch it at all. Please, if you're not watching movies because it's haram, if you're not watching serial, my recommendation is read the Quran, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Read the hadith, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Read the seerah, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Is video ke niche di gayi subscribe button ko dabayein aur saath mein bell icon ko dabayein. Video ko like kariye, share kariye apne doston ke saath, messenger par, facebook par aur whatsapp par.